नमस्कार। कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। अब 70,000 से ज्यादा कोरोना केसेस आते जा रहे हैं और ऐसे समय में छात्रों को कहा जा रहा है कि जेईई के और नीट के इम्तिहान होंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय एचआरडी मिनिस्टर केंद्र सरकार दोनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें। आखिर इन बच्चों का भी भविष्य हमें सुरक्षित रखना है। यदि इनको कुछ हो गया तो जवाबदारी किसकी होगी, जिम्मेदारी किसकी होगी? इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इसे कम से कम 3 से 6 महीने और आगे बढ़ा दें और जब कोरोना केसेस आने का प्लेटो हो जाए या कम होने लगे तब आप कराइए, फिजिकल डिस्टेंसिंग से कराइए। हम सब चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखते हुए उनका वर्ष नहीं बिगड़ना चाहिए, उनका भविष्य नहीं बिगड़ना चाहिए और उनकी सेहत नहीं बिगड़ना चाहिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जिद्दबाजी छोड़िए, पुनर्विचार करिए और जेईई और नीट के इम्तिहान को आप आगे बढ़ाइए। नमस्कार। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।